नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, रिसेंटली काफ़ी बेहतरीन खबर निकल के आई है, जहां पर फ्रेंच कंपनी CIEL और टेरे इंडिया, इन दोनों ने अनाउंस किया है कि फाइनली उन्होंने भारत का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। ये प्रोजेक्ट अब कम्प्लीट हो चुका है। तो इसी प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर में इंडिया का सबसे बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन सा होने वाला है। हम जानेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं लैंड के मुकाबले, जो हम अक्सर कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉर्मली, तो उसके मुकाबले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के क्या एडवांटेजेस है, और साथ में मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगी। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के फिलहाल के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में। अब ये फ्रेंच कंपनी CIEL और टेरे इंडिया, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। ये तमिलनाडु में थूथुकुडी वाटर स्टोरेज पॉइंट में लोकेटेड है। अब इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लगभग 14.7 मेगावाट की ही है, बट अभी के लिए एज ऑफ मे 2021 ये बन चुका है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अब इससे भी कई गुना बड़े बड़े हमारे देश में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू है, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, और इसी की वजह से अभी ये बना है फिलहाल के लिए इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। नाउ इसमें मेक इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के नीचे फ्लोर्स चाहिए होते हैं, तो मेक इन इंडिया कैंपेन को ध्यान रखते हुए इन्हें लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है। इन फ्लोर्स पर 37,632 फोटोवोल्टिक पैनल्स को प्लेस किया गया है। एरिया के हिसाब से देखें तो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 15.6 हेक्टेयर के वाटर एरिया में फैला हुआ है। नाव इस प्लांट की वजह से 18,686 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन घटा है। अब ये तो प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इस पर कंपनी का कहना है कि अगर हम इसी तरह के सेम मॉडल को बाकी के इंडस्ट्री में भी रेप्लिकेट करें, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल रिजर्वस होते हैं सच एज स्टील, थर्मल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, केमिकल, इन सब में भी अगर हम इसी तरह के मॉडल को रेप्लिकेट करें, तो सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही में ग्रिड की कंपैरिजन में यहाँ पर हमें और काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा। ये तो बात हो गई इस प्लांट के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे देश में आने वाले समय में और कौन से सबसे मैसिव फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर तेलंगाना के रामागुंडम में भी एक काफी बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी होगी 100 मेगावाट की। इसकी कुल लागत है लगभग 423 करोड़ रुपीस की, यानी कि 423 करोड़ रुपीस। इसमें 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल का यूज किया जाएगा, और इस सोलर प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाएगा बाय NTPC। अब मोस्टली यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि ये मई या जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अब इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसके टोटल कैपेसिटी है वोपिंग ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी की, तो इसे बनाया जा रहा है एट ओमकारेश्वर डैम और नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत है 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की, और ये प्रोजेक्ट लगभग 2022 या 23 तक बनकर तैयार होगा। नाउ अब बात करते हैं कि इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेज देखिए, यहाँ पर सबसे पहला तो है कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स। अगर हम फ्लोटिंग की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके ऊपर हम पैनल्स को प्लेस कर सके। वैसे ये इतनी ज्यादा भी नहीं होती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड पे अगर हम देखें तो एक तरह से हमें एक पूरा फ्रेम तैयार करना पड़ता है, फाउंडेशन और दिस काइंड ऑफ पैनल्स, तो ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। सेकेंडली बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स चाहिए इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए। अब क्योंकि ये एक नया सा ही कॉन्सेप्ट है इंडिया के भीतर, तो लोगों को भी इस तरह का काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा टू गेन नॉलेज। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर यहाँ पे कोई टाइफून आ जाता है तो ये थोड़ा बर्बाद करके रख देता है आपके फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को, और ऐसा ही कुछ सीन हुआ था जापान के साथ। यहाँ पे टाइफून की वजह से काफी ज्यादा इम्पेक्ट कर दिया है इसने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को, लेकिन फाइनली उन्होंने पूरी तरह से इसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो, जापान्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक प्लांट बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर टाइफून इम्पेक्ट। इसके अलावा भी अगर और कुछ डिसएडवांटेजेस देखें तो वो हो सकता है एरिया को लेकर। यहाँ पे हमें अगर काफी बड़ा मैसिव फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाना है तो वो वाटर बॉडी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा वाटर इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो, इसका भी हमें खासा ख्याल रखना है। तो ये तो हो गई कुछ डिसएडवांटेज। अब यहाँ पर एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर तो काफी सारे एडवांटेज है। सबसे पहले तो यहाँ पर लैंड की जो कॉस्ट है तो वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है।
यहाँ पर हम काफी लैंड सेव भी कर लेते हैं, और अगर हम आने वाले समय में और तेजी से फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने लग जाए तो लैंड की रिक्वायरमेंट काफी हद तक कम हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है वाटर इवोपरेशन को लेकर। अगर हम एक काफी अच्छे पैनल से कवर कर दे वाटर बॉडी को तो यहाँ पर इवोपरेशन लॉसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे एक्सट्रीम हीट में। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ट्रैकिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, और साथ ही में जब बात आ जाती है क्लीनिंग की तो वाटर बॉडीज पर कंस्ट्रक्ट किए गए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहाँ पर सीधा सीधा बेनिफिट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वाटर अवेलेबल है तो यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हमें लैंड वाले पैनल्स में कुछ रोबोटिक्स आर्म चाहिए होते हैं उस पूरे पैनल को साफ करने के लिए, इसके अलावा असेंबली भी इसकी काफी आसानी से की जा सकती है। फास्ट कंस्ट्रक्शन हम सुनिश्चित कर सकते हैं। लैंड डिस्प्यूट तो ज्यादा होता ही नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पैनल्स की एफिशिएंसी यहाँ पर काफी अच्छी हो जाती है। पैनल काफी एफिशिएंटली काम करने लगते हैं, बिकॉज अक्सर काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर के चलते सोलर पैनल की एफिशिएंसी जरा घट जाती है। लेकिन अब क्योंकि हमने वाटर बॉडी पर कंस्ट्रक्ट कर दिया है तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक कूल डाउन हो जाता है इन पूरे सोलर पावर ग्रिड का, एंड बिकॉज ऑफ विच इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है इवन इन हॉट क्लाइमेट्स। फाइनली वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूंगी। अब क्योंकि यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स एक काफी रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, इसका फर्स्ट पेटेंट फाइल किया गया था ऑन 2008, एंड सिंस देन चाइना, जापान, यूके और भी कई सारी कंट्रीज ने पेडोमिनेटली इस तरह के फ्लोटिंग पैनल्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। बट अब इस मामले में इंडिया काफी एग्रेसिवली काम कर रहा है, और होपफुली अब मध्य प्रदेश वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेज सीमा में बनकर तैयार हो जाता है तो वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का खिताब इंडिया के नाम पे होगा। और तेज सीमा में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट साउथ कोरिया में भी बनाया जा रहा है। इसका नाम है सेमेंजम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, और इसकी कैपेसिटी तो जो ओमकारेश्वर डैम पर बनाया जा रहा है तो उससे भी 3.5 गुना ज्यादा है, यानी कि 2.1 गीगावाट की। अब वैसे तो इस साउथ कोरिया की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पर कुछ अपडेट्स नहीं है, लेकिन काफी एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये 2022 तक शायद कंप्लीट हो सकता है। वैसे अगर आप टॉप 10 फ्लोटिंग पावर प्लांट सर्च करो बाय कैपेसिटी ऑल ओवर वर्ल्ड तो इसमें इंडिया के 3 फ्लोटिंग पंप शामिल है। सबसे पहला तो है ओमकारेश्वर डैम जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। फिर 2 NTPC के है, पहला है कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट विथ 105 मेगावाट, और दूसरा है रामागुंडम वाला सोलर पावर प्लांट विथ 100 मेगावाट। तो इसी इंफॉर्मेटिव नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।